बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान घर लौट चुके हैं। रविवार सुबह आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाई हो गई। अपने लाडले के स्वागत के लिए शाहरुख खान और गौरी खान ने मन्नत को शिद्दत से सजाया और सही मायने में उनकी दिवाली उसी दिन हो गई। एक अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज में चल रही रेव पार्टी में आर्यन भी शामिल थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकी के आरोपियों के साथ आर्यन को क्रूज से ही उठाया और फिर पूछताछ के बाद 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख और गौरी ने तमाम कोशिशें की लेकिन आर्यन को जेल से बाहर आने में 26 दिन का वक्त लग गया। अब जब आर्यन खान घर लौट चुके हैं तब खान दंपति नहीं चाहता कि उनका दुलारा आगे फिर ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाए। जानकारी के मुताबिक आर्यन के जेल से बाहर आते ही उनके पेरेंट्स शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान फैमिली के एक करीबी सूत्र ने बताया कि आर्यन खान के जेल से घर पहुंचते ही शाहरुख और गौरी ने आर्यन के लिए 3 नियम बनाए हैं जिनका सख्ती से पालन करना होगा। पहले नियम के मुताबिक आर्यन के पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें उनसे जुड़ी किसी भी मीडिया कवरेज से बचाया जाए। पिछले कुछ हफ्तों में आर्यन को लेकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है वह उनसे उन्हें हैरान नहीं करना चाहते हैं। दूसरा नियम ये है कि शाहरुख और गौरी ने आर्यन की कंपनी पर नजर रखने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों, उनसे मिलने या फोन पर बात करने वालों पर कड़ी नजर रखने की तैयारी है। वो नहीं चाहते हैं कि आर्यन ऐसे लोगों के साथ रहें जो उनके लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। खान फैमिली के करीबी सूत्रों के मुताबिक तीसरा नियम यह है कि शाहरुख और गौरी ने आपस में यह फैसला किया है कि वह कुछ समय तक आर्यन को सार्वजनिक उपस्थिति से दूर रखेंगे। ऐसा करके वह न केवल अपने बेटे को अजीब स्थितियों, प्रश्नों या लोगों की प्रतिक्रिया से बचाएंगे बल्कि जब तक चीजें बेहतर नहीं हो जाती वह उन्हें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं देंगे। वहीं इस बीच ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शाहरुख आर्यन को कुछ दिनों के लिए मन्नत से बाहर कहीं शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही उनके लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की भी तलाश है जो हर वक्त उनके साथ रह सके। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।